नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। नवी मुंबई पुलिस ने उरण हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक के गुलबर्गा से लिया हिरासत में। 20 वर्षीय युवती की हत्या मामले में आरोपी दाऊद शेख को किया गया है गिरफ्तार। पुलिस ने यशश्री शिंदे नाम की महिला का शव उरण रेलवे स्टेशन के पास से किया था बरामद। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ शहर के किवले इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा। 16 साल के युवक ने ऑनलाइन गेम खेलते समय अपनी आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या। बच्चे ने चिट्ठी में लॉग ऑफ नोट लिखकर दी जान। पुलिस का शुरुआती अनुमान, गेम की लत लगने के बाद युवक ने उठाया खौफनाक कदम। एंटीलिया बम कांड में आरोपी और विवादित पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की पत्नी श्रुति शर्मा शिंदे गुट में हुई शामिल। उनके साथ बेटियां अंकित शर्मा और निकिता शर्मा भी शिवसेना में हुई शामिल। इस दौरान मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष एकनाथ शिंदे रहे मौजूद। श्रुति शर्मा का मुंबई के अंधेरी ईस्ट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का है अनुमान। इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर अदालत में 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। मुखर्जी को अपनी प्रॉपर्टी और बैंक खातों से संबंधित कुछ जरूरी कामों को निपटाने के लिए करनी है 10 दिनों की यूरोप यात्रा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुए होल्डिंग हादसे को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस हादसे में 17 लोगों की हुई थी मौत, जबकि 70 से अधिक लोग हुए थे घायल। वहीं अब इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एक विशेष समिति की गठित। समिति 1 महीने में सरकार को सौंपेगी सिफारिशें। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों को लेकर सियासी घमासान शुरू। उद्धव ठाकरे के बेटे और उनकी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे ने किया दावा, बीएमसी उन ठेकेदारों से करवा रही है काम जिन्हें किया गया है ब्लैकलिस्ट। आदित्य ठाकरे के इन आरोपों को महाराष्ट्र सरकार ने बताया गलत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक महिला से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में नवी मुंबई पुलिस ने एक जाने माने वकील को किया गिरफ्तार। महिला ने 27 जुलाई को लबाले पुलिस थाने में दर्ज की थी शिकायत। साल 2024 की शुरुआत में एक सुनसान जगह पर कार में महिला के साथ किया गया था दुष्कर्म। महाराष्ट्र के सामंतवाड़ी से आई एक हैरान कर देने वाली खबर। यहां एक अमेरिकी मूल की महिला जंगल में जंजीरों से बंधी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को जंजीरों से मुक्त कराकर अस्पताल में कराया भर्ती। महिला दूतावास को सूचित करते हुए पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की शुरू। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में मणिपुर जैसी अशांति की आशंका पर गहरी चिंता जाहिर की। पवार ने मणिपुर में जाति संघर्ष से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके की आलोचना की। उन्होंने कहा, देश के विकास के लिए सामाजिक एकता है जरूरी। भारतीय जनता पार्टी की विधान परिषद सदस्य पंकजा मुंडे ने एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। पंकजा मुंडे ने कहा, सभी दल खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसी वजह से साथ आना होगा। राज्य में जो कुछ हो रहा है उस पर नेताओं को अपना रुख करना चाहिए स्पष्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे N24 न्यूज से, साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।